नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। सुल्तानपुर जिले के बहुचर्चित अवंतिका रेस्टोरेंट के मालिक पर गोलीकांड में वांछित चल रहे जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी सत्यप्रकाश सिंह और रमन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों आरोपियों ने सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। दोनों मुलजिमों के ऊपर धारा 307 लगी हुई है। इस घटना ने पूरे सुल्तानपुर को झकझोर कर रख दिया था। इसी गोलीकांड के बाद व्यवसायियों और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदर्शन के कारण सुल्तानपुर के पूर्व पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा का भी स्थानांतरण हो गया था और लखनऊ से नए पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स को नियुक्त किया गया। अब पुलिस कितना सफलता हासिल कर पाती है इस मामले में, ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ दोनों मुलजिमों से बात करने पर उनका कहना है कि हमारा इस घटना से कोई वास्ता नहीं है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो गया है, इसलिए मजबूरन हमें सरेंडर करना पड़ रहा है। और अधिवक्ताओं से भी बात करने पर उनका कहना है कि यह पूरा मामला संदेहास्पद है, कुछ भी कहना मुश्किल है, इसीलिए हमने दोनों को सीजीएम कोर्ट में सरेंडर करवा कर न्याय दिलाने का फैसला किया है। देखना है क्या कुछ निकल कर आता है। देखिए, हमारे मुलजिम जो हैं वो निर्दोष हैं, पुलिस ने फर्जी फंसाया है, हमको कानून के ऊपर भरोसा है, अपने न्यायालय पे भरोसा है, इसलिए हमने अपने मुलजिम का न्यायालय में सरेंडर कराया और जो कुछ होगा वो न्यायालय के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। जहां तक सीसी फुटेज की बात है, सीसी फुटेज कैसे आई, क्या आई, इसको अब आप लोग जानिए और ये ट्रायल की बात है। क्या नाम लिखते हो? जयंत मिश्रा। जो है वो पूर्णतया निर्दोष है और न्यायिक व्यवस्था पे हम पूरा विश्वास रखते हैं और न्यायालय में आज अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और जो भी न्यायिक व्यवस्था होगी, आगे जो कार्रवाई होगी न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें हम न्यायालय का पूरा सहयोग करेंगे और इस मामले में सही स्पष्ट विवेचना करने का भी प्रयास कराएंगे कि सहयोग हो न्यायिक व्यवस्था में और जो दोषी हो वो बख्शा ना जाए और निर्दोष को किसी प्रकार से दंडित ना किया जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के लिए कोई स्पष्टीकरण अभी हमारे पास तक नहीं आया है, अब वो विवेचना का विषय है, उस पर हम कोई बात नहीं रखना चाहते। मामला क्या था, किस मामले में? देखिए, मामला क्या था ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो मामला है सामने अभी तक मीडिया के और सबके थ्रू जो है कि टोटल जो है वो संदेहास्पद है और मनगढ़ंत कहानी जैसा है। किस मामले में इन्होंने सरेंडर किया? जी, इन्होंने 307 के मामले में सरेंडर किया है, अवंतिका गेस्ट का जो है वो मामला है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।